शराबबंदी वाले बिहार में लाखों की जब्त शराब की बोतलों पर जेसीबी चलाई गई और गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर हजारों लीटर देशी और विदेशी शराब की बोतलों को कानूनी प्रक्रिया के बाद जेसीबी का इस्तेमाल कर नष्ट किया गया। बताया कि गोपालगंज में पुलिसिया कार्रवाई की तस्वीर है ये, और ये सबूत है शराब तस्करों के खिलाफ किए गए कार्रवाई की। इस महीने में जिले भर में थाना क्षेत्र में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार का कहना है कि इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से हजारों लीटर देशी और विदेशी शराब जब्त किए गए थे। साथ ही 1200 से ज्यादा शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई। इन तस्करों के पास से कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त किए गए शराब की बोतलों पर बुलडोजर चला दी गई है। बताया कि शराब की बोतलों को नष्ट किया गया और फिर जमीन में गड्ढा खोदकर शराब की खाली बोतलों को जमीन दोज कर दिया गया और शराब नष्ट करने का वीडियो कराकर इसे कोर्ट में सौंपने के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके के शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बताया कि गोपालगंज जिला उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है और यहाँ यूपी और हरियाणा निर्मित शराब की अधिकतर पकड़ी जाती है, जिसे कानूनी प्रक्रिया के तहत हर महीने नष्ट कर दिया जाता है। गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। उत्पाद थानों में जब्त जो है 1882 लीटर लगभग जो शराब था देसी विदेशी, वो जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश से दंडाधिकारी के प्रतिनियुक्ति में उसको बलथरी में उसका विनष्टीकरण हुआ है। ये सब कब रिकवर किया गया था? ये पिछले माह में जो है वो जब्ती थी और उसका जो है विनष्टीकरण का आदेश हम लोग बढ़ाए थे प्रस्ताव, उस पर डीएम साहब का आदेश आया है, उसी के आलोक में ये विनष्टीकरण हुआ। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।